हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनवीन और आज हम बात करने वाले हैं वो कैब के बारे में और राइटिंग के डिफरेंट टॉपिक्स के साथ जो कि रिलेटेड है। राइट, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए वो कैब की वीडियो लेके आऊँगी, राइटिंग के जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं उनके साथ रिलेटेड, ताकि आपके पास हर एक टॉपिक के रिलेटेड एटलीस्ट 10 वर्ड्स हों वो कैब के, जो आपको पता है कि आप उसमें यूज़ कर सको और अच्छे बैंड्स ले सको। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसमें कुछ जो मैंने वर्ड्स देखे हैं, फर्स्ट इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, कुछ भी बहुत ज़रूरी। राइट, और भी इसके लिए हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, पिवोटल, ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट के लिए यूज होते हैं वर्ड्स। तो यहाँ पे मेन जो मैं वर्ड आपको बता रही हूँ वो है इंडिस्पेंसिबल। राइट, दैट्स इम्पॉर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, पिवोटल। राइट, नेक्स्ट जो वर्ड है टेक्नोलॉजी में आम ज़्यादातर यूज होता है वो है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ भी क्रिएटिव, ओरिजिनल। यहाँ पे भी अपने क्रिएटिव या ओरिजिनल वर्ड यूज करना, आप वहाँ पे इनोवेटिव लगा सकते हो। राइट, देन नेक्स्ट वर्ड जो है इफेक्ट। अफेक्ट क्या है, अफेक्ट की आप लगा सकते हो, कोई भी चीज़ में चेंज आना ना, उसे हम अफेक्ट कहते हैं। ये इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो चेंज की जगह अफेक्ट, इम्पैक्ट, ऑल्टर। राइट, और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू जो है उसका मतलब है कोई सडन चीज़ को डिस्कवरी होनी। राइट, यहाँ कोई फाइंडिंग्स, जैसे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लिखी यहाँ पे, रिजल्ट ऑफ रिसर्च चेंज ड्रामेटिकली बाय दिस ब्रेक थ्रू। मतलब किसी सडन डिस्कवरी के साथ जो रिसर्च थी वो ड्रामेटिकली एकदम से चेंज हो गई। राइट, तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट इज ब्राउज। ब्राउज करना, जैसे ब्राउज इज नथिंग बट आप इंटरनेट पे जो भी आप सर्च करते हो। राइट, वो आप अगर कहना चाहते हो आपने कुछ देखा सी, उसके अब आप वर्ड यूज कर सकते हो ब्राउज, गो थ्रू, और आजकल बड़ा चल रहा है सर्फ, इंटरनेट सर्फिंग, ब्राउजिंग, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज प्राइवेसी। राइट, देन एक वर्ड हम सुनते हैं सेंसरशिप। राइट, सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, रिस्ट्रिक्शन, सप्रेशन, ये सारे वर्ड्स जो आप सेंसरशिप आप यूज़ कर सकते हो अपने टेक्नोलॉजी में, अगर स्पेशली रिलेटेड टू साइबर क्राइम या इंटरनेट कुछ ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो वहाँ पे ये वर्ड्स जो यूज़ हो सकते हैं इसलिए। और नेक्स्ट इज इवॉल्व। इवॉल्व इज डिवेलप होना किसी चीज़ का विद टाइम, प्रोग्रेस होनी। राइट, नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनाइज मतलब किसी चीज़ में चेंज आना, किसी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन होनी, रीशेप होना किसी चीज़ का। राइट, और जहाँ पे आपने वर्ड यूज़ करना है डिवाइसेस, आप यूज़ कर सकते हैं मशीन्स, गैजेट्स। राइट, तो ये 10 वर्ड्स थे टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर होंगे और आप इन्हें अच्छे से यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट इज ट्रेवल एंड टूरिज्म। ट्रेवल एंड टूरिज्म में फर्स्ट वर्ड जो है ये लेयर। लेयर इज रिलैक्सिंग, इंजॉयबल। राइट, कोई भी हमारी जो लेयर एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम एक्सप्लेन करते टाइम ये यूज़ कर सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को हम बता सकते हैं इनसे अच्छे। जैसे इसके लिए मैं अगर कोई एग्जांपल कहूँ तो आई वेंट ऑन अ 3-डे लेयर ट्रिप एज आई नीडेड अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। राइट, तो आप समझ होंगे लेयर क्या है। नेक्स्ट इज एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मतलब होता है कोई भी शॉर्ट ट्रिप। राइट, कोई छोटी सी ट्रिप है तो उसे हम एक्सकर्जन कहते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिप की या शॉर्ट जर्नी की बात कर रहे हो तो आप उसे एक्सकर्जन लिख सकते हैं अपने राइटिंग में। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूँ तो नाउअडेज द ट्रेंड हैज चेंज्ड, पीपल गो ऑन वेरियस एक्सकर्जन्स। राइट, नेक्स्ट इज वॉयज, क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिप एक्सकर्जन है तो लॉन्ग ट्रिप भी तो कुछ होगी ना, वो होती है वॉयज। राइट, इसके लिए एग्जाम्पल होगी आई वॉन्टेड टू गो ऑन अ वॉयज टू राजस्थान। राइट, नेक्स्ट इज फॉस्टर। फॉस्टर होता है किसी चीज़ को इनकरेज करना, प्रमोट करना, किसी चीज़ का प्रमोशन की बात करें तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो वर्ड फॉस्टर। जैसे गवर्नमेंट मस्ट फॉस्टर द टूरिज्म इन गुजरात। राइट, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए टूरिज्म, तो आप वहाँ पे कह सकते हो गवर्नमेंट शुड फॉस्टर द टूरिज्म। राइट, देन इज इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या आता है, कुछ ऐसी प्लेसेस पे विजिट करना जो कि बिल्कुल अनटच्ड हो, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हों, नेचुरल चीज़ें हों वहाँ पे, राइट, पोल्यूशन ना हो, कोई भी नेचुरल प्लेसेस पे जाना, अनटच्ड जाना, ऐसी प्लेसेस बहुत रेयर हैं। तो
लाइक आप कोई भी प्लेस कह लो दैट प्लेस इज द कोल्डेस्ट इको टूरिज्म स्पॉट इन आर कंट्री, राइट। नेक्स्ट इज कैंपिंग। अब अगर घूमने गए तो कैंपिंग इज अ वेरी कॉमन वर्ड, राइट। तो कैंपिंग आप यूज कर सकते हो ट्रैकिंग की जगह पे, आप वर्ड यूज कर सकते हो हाइकिंग या बुश वॉकिंग इज अ गुड वर्ड, राइट। नेक्स्ट इज क्राउड। क्राउड की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो होर्ड, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल हो सकते हैं होर्ड्स ऑफ टूरिस्ट आर सीन इन शिमला थ्रू आउट द ईयर, राइट। नेक्स्ट इज ब्रोशर्स। ब्रोशर्स क्या होते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट के लिए जो पैम्पलेट्स होते हैं उन्हें हम ब्रोशर्स कहते हैं, लीफलेट्स कह सकते हैं इन्हें, हैंड आउट, राइट। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज ब्रेथ टेकिंग, राइट। ब्रेथ टेकिंग मीन्स अमेजिंग, लाइक दैट सीनरी वॉज ब्रेथ टेकिंग, राइट। आ गया टैरिफ। टैरिफ होता है किसी भी चीज का प्राइस, रेट, राइट। और एमिनेंट। एमिनेंट इज फेमस। आप किसी भी फेमस सेलिब्रिटी की बात कर रहे हो, किसी जगह की बात कर रहे हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो वर्ड एमिनेंट, राइट। देन अगर मॉडर्न वर्ड की बात यूज कर रहे हो आप कहीं पे, मॉडर्न इज अ वेरी कॉमन वर्ड, राइट, तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हो कॉन्टेम्प्ररी। एक और वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड ये भी आप मॉडर्न की जगह पे आप यूज कर सकते हो। देन बवेल्डर्ड। अगेन बवेल्डर्ड होता है कंफ्यूज। अगर आपने कंफ्यूज लिखना है उसकी जगह आप पजल्ड लिख सकते हो, बवेल्डर्ड लिख सकते हो। दीज आर गुड वर्ड्स, राइट। और नेक्स्ट टूरिज्म में बात करें तो जुबिलेंट। जुबिलेंट इज वेरी हैप्पी, राइट। आपने कहीं पे भी बात करनी है हैप्पीनेस की या यू आर वेरी हैप्पी, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो वर्ड जुबिलेंट, राइट। देन इज सीरीन। सीरीन इज यूज फॉर पीसफुल, एनी पीसफुल प्लेस, राइट। जब भी आपने किसी पीसफुल प्लेस की बात करनी है तो आप वहाँ पे वर्ड यूज करना है आपने सीरीन, राइट। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे वोकैब एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में सबसे पहले वर्ड है वर्बल। वर्बल मीन्स स्पोकन और ऑरल, राइट। कहीं पे भी आप किसी बात स्पोकन आपने यूज करना है, आप ऑरल कह सकते हो, वर्बल कह सकते हो, बट यू शुड नॉट रिपीट द वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी की जगह आप यूज कर सकते हो मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, राइट। देन करिकुलम। करिकुलम इज सिलेबस, और आप वर्ड यूज कर सकते हो कोर्स ऑफ स्टडी, राइट। सुपरसीडेड। सुपरसीडेड मीन्स रिप्लेस्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है मेरे पास वो है इंक्विस्टिव। इंक्विस्टिव मतलब होता है क्यूरियस, किसी भी चीज को लेके क्यूरियस होना या इंक्वायरिंग इज द वर्ड आप यूज कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल सोचता हूँ, टोडलर्स आर वेरी क्यूरियस इन नेचर, राइट। यहाँ पे टोडलर्स हो गया चिल्ड्रन या छोटे किड्स, राइट। और टोडलर्स जो है वो नेचर में क्यूरियस होते हैं, एक बात होगी, राइट। देन नेक्स्ट वर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता है रेगुलेशन, अथॉरिटेटिव, ये वर्ड्स जो आप डिसिप्लिन की जगह यूज कर सकते हो। एक देन आई हैव वर्ड पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है, जो आपको अपने सर्कल फ्रेंड्स फॉलो फ्रेंड्स हैं उनसे आपको प्रेशर होता है, उसे आप कहते हो पीयर प्रेशर, या आप एडुकेशन में वर्ड यूज कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की जगह डिप्लोमा, डिग्री, स्टडी, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देन रिसर्च इज एनालिसिस, राइट। इवेलुएट, एग्जामिन, एग्जामिन, असेस, इवेलुएट, ये सारे वर्ड्स आप किसी को भी असेस करते हो ऑन द बेस, जैसे टीचर्स जो है असेस करते हैं स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो ये सारे वर्ड्स आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। देन डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग क्या है, जो आप एक्चुअल प्लेस पे नहीं जाते, घर बैठे जो पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज डिस्टेंस लर्निंग। इसकी जगह आप यूज कर सकते हो कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, और ये तो बड़े वर्ड्स मैंने आपको बताने थे एडुकेशन के, प्रोसेस ओरिएंटेड एजुकेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन। अब जो एडुकेशन है वो दो तरह की होती है, प्रोसेस बेस्ड और प्रोडक्ट, राइट। अब जो प्रोसेस ओरिएंटेड है वो वाली एजुकेशन होती है जो आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो, राइट, कुछ सीखते हो आप ताकि आपको कोई स्किल आ जाए कुछ प्रोसेस फॉलो करके और आप कोई जॉब कर सको, राइट, वो होती है प्रोसेस बेस्ड एजुकेशन, सॉरी प्रोसेस ओरिएंटेड, राइट। और एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड में क्या आता है कि ये सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, वो पढ़ाई जो आप सिर्फ एग्जाम के लिए कुछ कर रहे हो कि आपको पढ़ा है आज ताकि आप सुबह एग्जाम में दो,
आपने बस एग्जाम में मार्क्स लेने, उससे ज्यादा आपका कोई मोटिव नहीं है और कोई यूज नहीं है, दैट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। इसकी एग्जाम्पल है प्रोसेस ओरिएंटेड एजुकेशन मेड मैंडेट मस्ट बी मेड मैंडेटरी फॉर स्कूल्स, राइट। तो जो प्रोसेस ओरिएंटेड एजुकेशन है उसे मैंडेटरी कर देना चाहिए स्कूल्स में, ताकि जो बच्चे हैं वो कोई स्किल सीखें और ना कि बस क्रैम करके एग्जाम्स और सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करते रहें, राइट। तो नेक्स्ट है मेरे पास कुछ वर्ड्स स्पोर्ट्स के लिए। तो अब स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहले आएंगे प्लेयर्स, राइट। प्लेयर्स को आप कैसे कह सकते हो स्पोर्ट्स मैन, और उनके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो एथलीट, राइट। अब स्पोर्ट्स हैं, प्लेयर्स हैं, तो वो खेलेंगे स्टेडियम में, कोर्ट में या प्लेग्राउंड में, अगर वो प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है तो उसकी जगह आप एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो अरीना, राइट। अरीना, स्टेडियम, कोर्ट, प्लेग्राउंड, ये सारे वर्ड सेम है। देन एमेच्योर, अगर प्रोफेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, एमेच्योर मतलब नॉन प्रोफेशनल, और आप उसे और क्या कह सकते हो, लेमैन, ठीक है। ये सारे नॉन प्रोफेशनल्स के लिए वर्ड है। नेक्स्ट इज लीग, लीग का भी यूज होता है कोई टूर्नामेंट्स के लिए या कोई सीरीज के लिए, राइट। डिफेंड, डिफेंड करना मतलब प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड, ये सारे वर्ड्स डिफेंड के लिए। स्पोर्ट्समैनशिप, फेयर प्ले करना, राइट। फिजिक, फिजिक का मतलब, फिजिक की जगह आप यूज कर सकते हो बिल्ड, फ्रेम, ऑब्वियसली ये बॉडी के फिजिक की बात हो रही है, बॉडी का जो फ्रेम है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक, राइट। देन टीम वर्क, टीम वर्क को हम कह सकते हैं कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, राइट। अच्छा, अब प्लेयर्स आ गए, कोर्ट आ गया, स्टेडियम आ गया, ऑब्वियसली दे प्ले, दे लूज और दे विन। अब विन के लिए आप क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो, सक्सेस, विक्ट्री और ट्रियम्फ, राइट। देन अब उन्हें देखने वाले कौन से हैं, ऑडियंस, व्यूअर्स, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हो स्पेक्टेटर्स, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास क्राइम, क्राइम के लिए जो वर्ड्स हैं सबसे पहले तो राइट्स, टर्मोइल, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के लिए आप क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो, राइट्स, टर्मोइल, राइट। अब चोरी आती है, चोरी, थेफ्ट, रॉबरी, ये वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर हो गई, और आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, बर्गलरी, राइट। देन कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश या ट्रिक, ट्रिक, प्लॉट, कॉन्स्पिरेसी, ये सारे वर्ड सेम है। देन किसी को हिट करना, स्मैक करना, उसे हम कह सकते हैं असॉल्ट। देन किसी पे प्रेशर डालना, इंटिमिडेशन, वो सारे वर्ड्स, और हरासमेंट, दे आर सिमिलर, आप हरासमेंट यूज कर सकते हो इसकी जगह। देन क्रिमिनल को आप क्या कह सकते हो, कल्प्रिट, ऑफेंडर। प्रोबेशन इज द टेस्ट पीरियड जिसमें वो क्रिमिनल से पूछताछ करते हैं, राइट। अब जस्टिस के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो फेयरनेस, राइटनेस, राइट। विक्टिम को, सफरर जो है विक्टिम, दीज आर सेम। ट्रेसपासिंग इसके बिना परमिशन किसी एरिया में, किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर जाना, राइट। इसे आप और क्या कह सकते हो, इनफ्रिंज, इनवेड, ट्रेसपासिंग, ऑल आर सेम। नेक्स्ट जो वर्ड्स है मेरे पास वो है एनवायरनमेंट और एनिमल्स के साथ रिलेटेड, तो ये दोनों तरह के टॉपिक्स में आप इन वर्ड्स को यूज कर पाओगे। तो फर्स्ट वर्ड इज इरोजन। इरोजन क्या होता है कि सॉइल की जो फर्स्ट लेयर है ना वो, उसका डिप्लीट हो जाना, दैट इज इरोजन। इसकी जगह आप यूज कर सकते हो डिटेरियरेशन, डिस्ट्रक्शन, जैसे एग्जांपल इसके ड्यू टू यूज ऑफ मैनी पेस्टिसाइड्स सॉइल हैज डिप्लीटेड या डिटेरियोरेटेड, डिस्ट्रक्टेड, कुछ भी है ना। इरोजन, इरोजन इज कॉज्ड बाय यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स या हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, कुछ भी है ना वर्ड आप कह सकते हो। नेक्स्ट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, वो एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं, लाइक आप कह सकते हैं एनिमल्स लिव इन अ नेचुरल हैबिटेट, राइट। देन माइग्रेट, माइग्रेट मीन्स मूव करना, बर्ड्स मूव करते हैं कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में, है ना, तो वैसी लाइन्स के लिए आप यूज कर सकते हैं माइग्रेट। डाइवर्स, डाइवर्सिटी इज डिफरेंस, डिस्टिंक्ट, राइट। वेराइटी, सेम वेराइटी भी कह सकते हैं, डाइवर्सिटी इज वेराइटी। देन डिफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन सबको पता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और जो भी क्लियरिंग करना एरियाज, लॉगिंग, ये सारे वर्ड्स डिफॉरेस्ट्रेशन, दे आर सिमिलर, राइट, जो आप यूज कर सकते हो ताकि आपको रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होना मतलब किसी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन होना, डिवेलपमेंट होना। देन इज एक्सटिंक्ट।
एक्सटिंक्ट वैनिश्ड, कुछ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं और दे आर एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये वैनिश्ड और एक्सटिंक्ट वर्ड यूज कर सकते हो. अडेप्ट करना किसी एनवायरमेंट को, मॉडिफाई होना, राइट, अडेप्टेशन इज मॉडिफिकेशन. एमिशन, एमिशन जैसे कोई हार्मफुल रेस की आप बात कर सकते हैं, एनवायरमेंट है तो कि वो इमिट हो रही है सन से या कुछ भी, है ना, डिस्चार्ज होना इसकी, इजेक्शन, रिलीज, ये सारे सेम वर्ड्स हैं. तो आई होप आप क्लियर हो गए इसे. नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेनेबल. सस्टेनेबल इज फायरेबल, वायबल, राइट. नेक्स्ट हम हेल्थ की ओर चलते हैं. तो हेल्थ के लिए जो वर्ड्स हैं, सबसे पहले डायग्नोस. डायग्नोस इज जब टेस्ट से कोई बंदा किसी चीज, कोई डिसीज आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ चीज़ ढूंढते हैं, कोई मिलती है, दैट इज डायग्नोसिस, राइट. डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना इज डायग्नोस करना. इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब डिसेबल्ड, चैलेंज्ड. एडिक्शन होनी किसी चीज़ की, हैबिट होनी, डिपेंडेंस होनी, राइट. डिटेरियोरेशन इज डिक्लाइन इन क्वालिटी, राइट. किसी चीज़ की क्वालिटी में डिक्लाइन आ जाना, क्वालिटी कम हो जानी. और नेक्स्ट इज क्रॉनिक. क्रॉनिक क्या होता है, कोई भी लॉन्ग लास्टिंग इलनेस, राइट, उसे हम क्रॉनिक डिसीज कहते हैं. आपने सुना भी होगा बड़ी बार क्रॉनिक डिसीजेस, तो वो होती है लॉन्ग लास्टिंग इलनेस, उसे आप प्रिवेलिंग कह सकते हो, रिकरिंग कह सकते हो, राइट. देन कंटेजियस इज इन्फेक्शियस, जो एक से दूसरे को ईजिली फैलती हैं चीज़ें, ये डिसीजेस, उन्हें आप कह सकते हो कंटेजियस, राइट. जैसे आई फ्लूज आर कंटेजियस, राइट. नर्कोटिक जो है, ड्रग्स या पिल्स, जैसे टोबैको, स्टिमुलेंट, है ना, स्टिमुलेंट है इसके एग्जाम्पल होगी टोबैको, कोई भी ड्रग्स और पिल्स जो होती हैं नार्कोटिक. देन डिसऑर्डर क्या है, इलनेस, डिसीज, ये आप यूज कर सकते हो सिनोनिम्स. देन अच्छा, फिर कोई चीज़ जो कंट्रोल में ना हो, वाइडली स्प्रेड हो, उसे हम कह सकते हैं रैम्पेंट, राइट. एपिडेमिक, वाइड स्प्रेड, अनकंट्रोल्ड, अनहैम्पर्ड, राइट. और उसके बाद में वर्ड है रूडिमेंट्री. रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, या आप इसे कह सकते हो प्रिमिटिव. तो आई गेस यही है हमारे पास आज वर्ड्स. आई ट्राइड के जितने भी टॉपिक्स हो सके और राइटिंग के मेन मेन मैं कवर कर दूँ इसमें, और आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे वर्ड्स. अगर आपको किसी में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पता नहीं चला, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हो. और अगर आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. एंड आई होप कि जी आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा. और अगर आपके पास कोई भी नेक्स्ट आप कुछ टॉपिक्स चाहते हो जो मैं आपके लिए लेके आऊँ वीडियोज़ जिन पे, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं. और थैंक यू सो मच गाइस.